ताज़ा सब्जियाँ और इतना खूबसूरत इन्वायरमेंट इन्होंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया है, इतनी खूबसूरती। तो दोस्तों बहाने छोड़ो कि हम कुछ कर नहीं सकते, हमारे पास तो जमीन नहीं है, हमारी सिटीज में छोटे छोटे घर है, तो हम कहाँ पे किचन गार्डनिंग करेंगे। आज मैं आपको मिलाना चाहती हूँ संजीत सिंह जी से और उनकी वाइफ चिंतू देवी से, और इन दोनों ने अपना जो गार्डन है इतनी कम स्पेस में इतना अच्छा मेंटेन किया हुआ है। तो आपको इस वीडियो में देख के पता लग जाएगा कि कोई बहाने नहीं चलेंगे। इन्होंने पॉट्स बनाए हैं, उसमें ये सब्जियां लगाई है और साथ ही साथ में प्लांटेशन करी हुई है अपने घर पे इतनी सुंदर, तो हम सब आपको दिखाते हैं इसमें। मेरा नाम संजीत सिंह है, मैं मोहर से हूँ। एक्चुअली मेरा बिजनेस वेल्डिंग का है, तो ये तो मेरा शौक है। जब मैं घर में आता हूँ तो अपने फ्री टाइम में यही कर लेता हूँ मैं, और इससे मुझे सुकून मिल जाता है, रिलैक्स में हो जाता हूँ मैं। अच्छा लगता है जब इंसान कुछ करता है तो अच्छा लगता है, थोड़ा हटके हो, अच्छा दिखे। तो क्या सुंदर नजारा, और ये गर्मी का मौसम है, थोड़ा धूप से बच जाते हैं, ऊपर से छत हो जाता है, साया हो जाएगा, एक छाता भी बन गया और फायदे ज्यादा हो गए। एक और बात, इन्होंने टमाटर जो महंगे हुए तो मार्केट से बिल्कुल भी नहीं खरीदे, घर पे टमाटर लगे हुए हैं। हम तो अपना टमाटर, हम तो अपनी सब्जी खाते हैं सब कुछ। आप स्पेस देख सकते हो कितनी कम स्पेस है, ऐसी स्पेस हम लोग छोड़ेंगे पूरा भर जाएगा। हम लोग तो बहाने ही करते रहते हैं, ज्यादा जमीन नहीं है, कहाँ लगाएंगे। तो ये यहाँ पे आपने जो ये गार्डनिंग करी है, ये क्या है, ये आपने किसमें, क्या वेस्ट, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है ना उनका इन्होंने यूज किया बहुत अच्छा। हाँ, वेस्ट सब वेस्ट वाला ही है। हाँ, कबाड़ वालों से लाके उसी में मैंने सब चीजें पर। और ये सीमेंटेड भी? हाँ, ये अपने हाथ का बना है। नहीं, हाथ का इतना सुंदर, दो तीन हमारे लिए भी बना दो, बहुत महंगे मिलते हैं मार्केट में। और ये ऐसा लग रहा है जैसे वो नर्सरी में मिलते हैं उस तरह? नहीं, ये वो नहीं है, एक पाइप वेस्ट थी उसको चीर के उसके बीच में मैंने पौधे लगा दिए। वेस्ट पाइप को मैंने यूज किया है। कितना प्यारा गुट्टी का फूल लगा ये। तो अच्छा, ये आपने देवदार? हाँ, ये देवदार है। देवदार? हाँ, ये देवदार है। बुलबुल के बच्चों से मिलाते हैं? बुलबुल है ये। यहाँ से कहाँ से इसकी एंट्री? यहाँ से इसकी एंट्री, यहाँ से वो देखो खोड़े हैं। और ये इनको खाना भी प्रोवाइड कर रहे हो, देखो ये इन्होंने पॉलिथीन यहाँ यूज किया है ताकि इन पे बारिश न गिरे। वाओ वाओ, मतलब इतना प्यार है, सब्जी, फ्लावर्स, चिड़िया। जब हम आए थे तो पौधे थे यहाँ पे बहुत सारे, वो डेकोरेटिव बहुत सुंदर प्लांट लग रहा है, पर मैंने कहीं देखा नहीं है। हाँ, ये आपने नहीं देखा होगा मगर यहाँ पहाड़ में मिलता है, कहीं चट्टान वाली जगह हो वहाँ मिलता है, मैंने वहाँ से ला के यहाँ डेकोरेट कर दिया। मुर्गे रखे हैं? अच्छा, मुर्गी? अंडे हम घर के खाते हैं, घी अपना खाते हैं, दूध अपना है, सब्जी अपनी खाते हैं हम। तो बेसिकली आप सजरू से हैं? हाँ, हम सजरू से हैं। तो मेन बात ये है कि ये सजरू से हैं, वहाँ पे इनकी जो जमीनें हैं दादा परदादा की वो वहीं पे हैं, तो ये सिटी जो तहसील है मोहर ये यहाँ आ गए, और यहाँ पे जमीन कम है पर इन्होंने अपनी खेती बाड़ी नहीं छोड़ी, इन्होंने यहीं पे आके भी स्टार्ट किया है। ये सारी बीन्स आपने लगाई, काफी ज्यादा लगेंगी, और मैंने सुना है कि आप घर के लिए तो इस्तेमाल होती है, मोहल्ले में भी सबको देते हैं, सबको देते हैं। बस अब थोड़ी बारिश हो रही है, थोड़ा धूपी हो जाएंगी तो इसमें काफी सारा फल आ जाएगा। और बेचते वगैरह हो? नहीं नहीं, ये देखो, अरे मेरे घर की टंकी भी वो खराब हो गई है, दो टंकियां, मैं भी यही करूंगी, मुझे ये मोटिवेशन मिली, मैं पक्का करूंगी, आपको दिखाऊंगी भी। टंकी जब खराब हो जाती है तो उसका आप ये इस्तेमाल कर सकते हो। सच में यार भाई, ये देखो ये सारी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, टंकी जो हमारी खराब हो जाती है, और ये देखो एक तो इतनी खूबसूरती, ऊपर से सब्जियां खाने के लिए, इतने सारे फूल, और इतना सुंदर आपने एक अच्छा खीरा, इसमें कोई खीरा है? ये फेंक देते हैं इसका। हाँ, पैकेजिंग में यूज होता है। हाँ, फेंक देते हैं, पड़ा होता है गली गली में कहीं। हाँ, मगर मैं यूज कर लेता हूँ इसको। मिर्ची लगाई हुई है, मक्की लगाई है मुझे भी बहुत पसंद है मक्की। टमाटर लगाए हैं,
ध्यान रखना कुछ चुरा ना ले छत से, बहुत महंगे हैं। नहीं टमाटर तो हमने खा लिए यहाँ से चुन के। अच्छा हाँ, अब तो थोड़े बचे हैं। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। छत पे कितना अच्छा इन्होंने, अभी तो इनके घर के बाहर वाला हमने देखा, अभी छत पे इन्होंने कितना अच्छा किचन गार्डन अपना मेंटेन किया। यहाँ पे भी तो भैया ने मुझे परमिशन दे दी है कि इसे मैं तोड़ दूं और टेस्ट करूं। बिल्कुल ऑर्गेनिक है, कोई इन्होंने फर्टिलाइजर केमिकल कोई यूज नहीं किया, तो देख सकते कितना सुंदर है। मतलब मैं क्या बोलूं, बहुत मजा आ रहा है। अच्छा पॉजिटिव यहाँ पे इन्वायरमेंट बनाया हुआ है। दीदी ने गिफ्ट में मुझे खीरा दिया है और मैं सोच रही हूँ 2-3 दिन और स्टे करूँ तो मैं भी दाने डालूंगी। आइए फिर आते हैं। पीपल यहाँ से गिरने का इनके साथ पहचान है भाई, मेरे से मत भागना। भैया कहते हैं ये इनके बच्चे हैं, इन्हीं के साथ बहुत सारा आपका टाइम स्पेंड होता होगा। बहाने मत करें कि जमीन नहीं है, घर का जो प्लास्टिक है कुछ भी है जो कि भैया ने काफी सारा हमने आपको दिखाया भी, उस तरह से अपने किचन गार्डन आप मेंटेन कर सकते हैं। ये एक मिर्ची है। इस मिर्ची का नाम है हैबनेरो। अच्छा हैबनेरो, ये वर्ल्ड की नंबर वन मिर्ची है हार्ट हार्ट में। अच्छा तेज होती है बहुत तेज में, ये वर्ल्ड की नंबर वन है। तो आपने कहाँ से लाई ये? मैंने नागालैंड से मंगाई थी। कितनी लगाई है ये? हाँ ये। अच्छा हाँ, अब ये बन रही है, इसको ज्यादा धूप नहीं लगनी चाहिए। तो आपने ग्रीनरी इतनी कर दी कि इस पे धूप ना लगे। हाँ इसमें अभी ये देखो यहाँ से अब मेरी फलियां लगने वाली हैं। अभी हो ये कबूतर के घर है इन्होंने बनाए ऊपर, उस नीचे देखो बहुत ही प्यारे से इन्होंने, तो इस जानते हैं कि क्या है। ये रात को इन पे बिल्ली चढ़ के इनको उड़ा लेती थी यहाँ से। अच्छा, खाने की कोशिश बहुत खा भी लिए थे, फिर एक दिन हमने देखा तो उसके बाद हमने बिल्ली का रास्ता बंद कर दिया। हाँ ये भी बिल्ली के लिए लगाए हैं सब, कोई भी रास्ता नहीं दिखेगा। हाँ बिल्ली ऊपर नहीं चढ़ पाएगी, बच्चे होते हैं इनमें तो बड़े वाले तो भाग जाते हैं, बच्चे बीच में बैठे रहेंगे तो वो खा लेगी। अभी मैं मशरूम के लिए तैयारी कर रहा हूँ, तो ये मशरूम के लिए मैं ये सारा सिस्टम तैयार कर रहा हूँ। भैया आपने पहले भी मशरूम लगाई थी, तो कितनी मशरूम अभी तक आपने कल्चर की है? मैं अपने खाने के लिए तो लगाता ही रहता हूँ, हर सीजन में लगाता हूँ। हर सीजन में हाँ। लगाई थी कम से कम 50-60 किलो तो बनी थी। अच्छा हाँ, हाँ वो बता रहे थे, मगर हम खाते रहते हैं ना। वाह खाते हैं देखते। अच्छा हमने अचार डाल दिया था। अच्छा हाँ, कोई 20 केजी का तो अचार ही डाल दिया था हमने, खाते रहे हम सर्दियों में पूरे भी हमने खाई। देखो इतनी सी स्पेस में इन्होंने मशरूम बैग्स तैयार किए। तो वैसे भी इतना एनवायरनमेंट खराब होता जा रहा है और जिस तरीके से ये इतना बड़ा योगदान दे रहे हैं, इतनी कम स्पेस में इतना ज्यादा ग्रीनरी, इतने ज्यादा प्लांटेशन इन्हें किया, तो हर कोई कर सकता है। तो हम सब भी इसी तरह से प्लांटेशन करेंगे और अपने देश को बहुत खूबसूरत बनाएंगे, अपने एनवायरनमेंट को और ज्यादा खूबसूरत बनाएंगे। तो अगर आपको भैया का ये काम, भैया की क्रिएटिविटी और नेचर को लेके प्यार, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर किसी तक ये वीडियो पहुंचे और हर कोई मोटिवेट हो जाए अपने नेचर को लेके, नेचर को प्यार करें। और इसी तरह से हम आपके साथ और ऐसी एग्जांपल्स वीडियोस लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।